परेशानी रख रहे हैं अभी मुख्यमंत्री को, कभी बाद में भी याद कराना पड़ जाए, फोटो दिखा के याद करा देंगे हम आगे जरूर देना पड़े भाई, कल को जरूरत भी पड़ जाए मुख्यमंत्री के सामने जाना पड़ जाए, ये वही लोग हैं जिन्हें तरह करके परेशानी रख ऐसे अमिता जी खट्टर साहब से बात कि मुख्यमंत्री ने कहा कि कल हम खरीद शुरू कर देंगे, इस खरीद को कैसे देखते हैं? मुख्यमंत्री किसानों के डर की वजह से आज सुबह ही अपने विधायकों को लेके वहां पर मीटिंग करने केंद्रीय राज्य मंत्री के पास पहुंचा और वहां जाके उन्होंने वहां से प्रेस के माध्यम से घोषणा किया, कृषि राज्य मंत्री ने और मुख्यमंत्री ने भी सुबह से खरीद चालू होगी। तो अब गुरनाम सिंह चुटंजी जी से बात हुई है प्रधान जी से, उन्होंने यहाँ से धरना समाप्त करने की घोषणा करवा दी है, तो अब सुबह खरीद चालू हो जाएगी और यहाँ से धरना मुख्यमंत्री करके आगे से समाप्त हो रहा है। जो वहाँ पे पंचकुला में उसको कैसे देखते हैं आप? देखो पंचकुला में जो है ये सरकार डराना चाहती है, ये सोचती है लाठी के डर से ये डर जाएंगे, पर किसान डरने वाला नहीं है। वहां को भी जो गुरनाम सिंह चुटंजी जी का देश है, जब जरूरत पड़ी तो करनाल के किसान भी पंचकुला में पहुंचे। इसको कैसे देखते हैं कि पहले तो 11 तारीख का आदेश दिया गया था, उसको बाद आगे ये सरकार की फेलियर है, जो हरियाणा की सरकार है ये किसानों से जूते खा के ही मानती है। दो दिन आंदोलन हुआ, उसके बाद आज घोषणा वापस कर दी कि सुबह खरीद चालू करवाएंगे, ये यहाँ की सरकार का करैक्टर बन गया। सरकार किसानों के मांग जो माननी की, इसको कैसे देखते हैं कि ये किसानों की जीत है, किसानों के संघर्ष की जीत है, किसानों की एकता की जीत है, माननी की इसको कैसे देखते हैं? देखिए किसानों की जीत है भारी संख्या में पूरे हरियाणा में और पंजाब में। पंजाब में जैसे कल हमारी संयुक्त किसान मोर्चे की 9 मेमोरी कमेटी का गठन किया गया था, उसमें हमारे बलबीर राज्यवाल जी और अपने गुरनाम सिंह चुडुनी जी काफी तमाम सीनियर नेता थे, उन्होंने कॉल दी थी भी पंजाब में डीसी दफ्तर का घेराव करो और हरियाणा में भाजपा के सांसद और जो एमएलए हैं उनकी कोठियों का घेराव करो। इसी कार्यक्रम के अनुसार हमारा जो करनाल से विधायक है वो मनोहर लाल खट्टर है मुख्यमंत्री, उसके यहाँ हजारों किसानों ने धरना लगाया, बैरिकेड तोड़ते हुए यहाँ पहुंचे, ये किसानों की जीत है। और पूरा हरियाणा में भाजपा के सांसदों का, विधायकों का, मंत्रियों का सभी जगह पे घिराव आज किसानों ने किया, उन सब के आगे किस सरकार को झुकना पड़ा और कल से खरीद शुरू करनी पड़ी। और आगे हमारी चेतावनी, अगर मॉइस्चर के नाम पे कोई कटौती की गई हमारे रेट में तो फिर हम आंदोलन करेंगे। धरना खत्म कर दिया गया? अभी धरना समाप्त कर दिया गया, हमारी बात हुई थी हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं सरदार गुरनाम सिंह चुडूनी जी, उनके आदेश पे धरना यहाँ से आज समाप्ति है। सभी किसानों से निवेदन है जाके अपनी फसल कटवाएं और कल मंडी में लेके आएं, अगर कोई मंडी में दिक्कत आती है किसान यूनियन हमारी फिर से प्रदर्शन करेगी। देखो ये सरकार ने जो तालिबानिया फरमान जारी किया था कि 11 तारीख को खरीद करेंगे, उससे कोई भी किसान खुश नहीं था। आज सारे हरियाणा में प्रदर्शन हुआ और करनाल वाले किसानों का सौभाग्य था कि खट्टर का घर घेरना पड़ा। खट्टर का घर घेर के जो हमने बोला था कि फसल यहाँ लेके आएंगे वो लेके आए और किसान के संघर्ष के सामने सरकार को झुकना पड़ा, अपना बयान वापस लेना पड़ा और कल जो किसानों की फसल की खरीद है वो होगी। किसानों को बहुत बहुत बधाई और एक आपके चैनल के माध्यम से मैं अपील करना चाहता हूं किसान साथियों को, किसी ने भी अपनी धान की फसल MSP से कम नहीं देनी। अगर किसी को किसी प्रकार की दिक्कत आए, आधी रात को भी भारतीय किसान यूनियन चुडूनी की सारी टीम आपके साथ खड़े होने के लिए तैयार है, हमें फोन करें। किसी तरह की हमारे किसान साथी को दिक्कत आए फोन करें, MSP के नीचे किसी ने फसल नहीं बेचनी, क्योंकि 650 से ज्यादा हमने अपने किसान इस MSP के लिए दिल्ली में शहीद करवाए हुए हैं। अब धरना स्थल से प्रधान गुरनाम सिंह चुडूनी जी के बात होने के बाद जैसे इनका मैसेज मंडियों में भी आ गया, सेक्रेटरी के पास भी और सभी आढ़तियों के पास भी, वो देखते हुए यहाँ से जो धरना था वो खत्म कर दिया गया। हमारा धरना तब तक था जब तक ये खरीदना होती, हमने पहले भी यही बोल रखा था। ये हम किसानों ने, भाईचारे ने मनवाई है, मानी नहीं है उसने, मानता हो तो एक तरीके ऐलान किया हुआ था खरीद लेता, तो ये किसानों के भाईचारे ने, किसानों की एकता ने उससे मनवाई है। कैसे देखते हैं? अच्छे देखते हैं, अभी एक उसको फिर मुंह की खानी पड़ी, हर बारी मुंह की खाता है, बिना लटके चलता नहीं है। एक जैसे छोटा बच्चा होता है बिना चपेट के नहीं बांधता, ये भी वो हट करके बैठता है हर बारी किसानों की मुंह की खाता।
ऐसा केंद्र का फैसला क्यों था इसमें? ये पहले दुष्यंत ने बयान दिया 25 को खरीद करेंगे, फिर उसने कहा भी मैं एक को खरीद, खट्टर ने बोला नहीं एक को करेंगे, एक के बाद इसने कह दिया 11 को करेंगे, भी कितनी देर वेट करेंगे? 10 दिन में तो फसल रहती नहीं है, 1% 2% फसल रहेगी बाकी, तब तक तो खराब होने का भी चांस। किसानों की जीत हुई, अहंकारी राजे को हार का मुंह देखना पड़ा, शर्म आनी चाहिए थी इनको। आपने किसानों को इस सीजन में सड़कों पे बिठाया, 4-5 दिन हो गए थे, इन्होंने अपना एक माहौल खराब कर रखा था देश का भी मैं कहूंगा। आज देखो, अब मैं तो पहले भी कह चुका हूँ, करनाल के किसानों ने तो खास तौर पे इस अहंकारी राजा को, जो यहाँ से मुख्यमंत्री है, इसी कॉन्स्टिट्यूंसी से विधायक है, उसको 5-6 बार लगातार आया, चाहे वो कैमड़ा की हार हो इसकी, चाहे बस्ताड़ा टोल पे लंगर जब इन्होंने उठाए तब की हार थी, चाहे सेक्रेटरिएट में जब हम इनका घराव करके बैठे थे तब इनकी हार हुई, और आज फिर इस मुख्यमंत्री को इसके घर में आके घेर कर इससे अपनी मांगे मनवाई, किसान की जीत हुई। और जो ये अहंकारी राजा है, जो सेंटर सरकार है, मोदी सरकार, खट्टर सरकार, दोनों को हार का मुंह देखना पड़ा। धरना खत्म कर दिया गया, बिल्कुल धरना अब खत्म कर दिया गया। प्रधान गुरु नाम सिंह चटूनी जी से बात हुई थी, उन्होंने कहा कि आप अब धरना समाप्त कर दिया। फोटो खिंचवाते हुए माननीय मुख्यमंत्री निवास स्थान के बाहर किसान नेता फोटो खिंचवाते हुए नजर आ रहे हैं। आप ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं। किसान मजदूर एक्ट, किसान मजदूर एक्ट, बीजेपी सरकार, जिंदाबाद इंडिया की सरकार, ठीक हो आप? बस जा रहे हैं। टाइम से छुट्टी हो गया और मैं विकास भाई शॉर्ट बाइट कर लो, एक बार अलग से जाके शॉर्ट कर लो बाइट, एक मुकुल कर रहा है।